students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is immunity, means pratiraksha. Okay, ये आपका जो topic है ये human health and disease, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के chapters में ये topic आता है. तो चलिए आज हम discuss करते हैं कि immunity या प्रतिरक्षा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसी के अंतर्गत आप वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण पढ़ेंगे. ठीक है, हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्यों करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी इज रेफर टू द रेजिस्टेंस एक्सहिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कास्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स. मीन्स कि जो प्रतिरक्षा हमारा होता है वो क्या रहता है कि जो भी हमारे पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं तो उनसे रोगकारक जो जीव होते हैं, के जो भी डिजीज़ फैलाने वाले हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता हमें मिलती है, जो सिस्टम प्रोवाइड करता है वो क्षमता उन्हें उस रोग को रोकने का, उस पैथोजन को रोकने के लिए जो एक सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरक्षी तंत्र या प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाता है. ठीक है, और आपका ये जो इम्यूनिटी होता है या फिर आपका प्रतिरक्षा होता है ये क्या है, टू टाइप्स में रहता है. फर्स्ट वन इज़ अ इंटेक इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज़ अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इंटेक मीन्स सहज प्रतिरक्षा तंत्र और एक्वायर्ड मीन्स उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र. इंटेक इम्यूनिटी को फिर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक. ठीक है, जो आपका नॉन स्पेसिफिक रहते हैं इसमें आपके जो पर्टिकुलर स्पेसीज रेसिकल इंडिविजुअल्स आते हैं, स्पेसिफिक में स्पेसीज रेसिकल और इंडिविजुअल्स आते हैं. फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इसे टू पार्ट्स में फिर से हम डिवाइड करते हैं, जो कि है आपका एक्टिव और पैसिव, यानी सक्रिय और निष्क्रिय. तो ओके, तो अब इसे क्या करते हैं, वन बाई वन इन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ अ इननेट इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी मीन्स आल्सो नोन अ नेटिव इम्यूनिटी. इट्स अ रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेस बाय वर्चुअस ऑफ हिज और हर जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप. मीन्स क्या होगा कि ये जो आपका इननेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा तंत्र है ये एक तरह से विशिष्ट बहुत ही स्पेशल टाइप का एक आपका प्रोटेक्शन कवरिंग होती है, रक्षा तंत्र होता है जो जन्म से बाई बर्थ, ये जो चाइल्ड होता है बाई बर्थ इसमें ये प्रेजेंट होती है. और ये हमारे क्या करती है कि जो बाहर के जो भी फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकती है. ठीक है, अब इननेट इम्यूनिटीज में क्या रहता है कि इम्यूनिटी में आपको इसमें डिवाइड किया जाता है, जो डिविजन्स में आपके बेस पे रहता है कि जो भी बैरियर्स आते हैं उन वो आपके मेन तीन रहते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ फिजिकल बैरियर मतलब शारीरिक अवरोध, सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर कायिकी अवरोध, थर्ड सेलुलर बैरियर मीन्स कोशिकी अवरोध. तो ये जितने भी आपके जो बैरियर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी आपका वायरस बैक्टीरिया होता है उसे बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं. ओके, नेक्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ इननेट इम्यूनिटी मीन्स कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं जो कि इसे प्रभावित करते हैं. फर्स्ट वन इज द एज, उम्र जो मनुष्य की होती है वो इस पर प्रभाव डालती है. हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तब क्या रहता है कि उस पर भी आपका जो बॉडी की आपकी इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है. जैसे अगर हम पहला पॉइंट एज है तो इसको डिस्कस करें, कहा कि जब न्यू एज होती है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है. मीन्स आपका नियर अबाउट एज आपका 25-26 तक आपका जो इम्यूनिटी रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज और बढ़ती जाती है, आप 50 या एबव 45 आते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक होने लगता है, क्योंकि वो डिविजन्स जो सेल्स के होते हैं वो
बहुत कम होने लगते हैं, उनकी स्पीड कम होने लगती है। तो इस वजह से क्या रहता है कि एज का इफ़ेक्ट आपका इम्यूनिटी सिस्टम पर पड़ता है। हार्मोन्स क्या है कि अगर हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है, अंतरस्रावी को जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे हार्मोन सिक्रीट होता है, वो क्या करता है हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल और बैलेंस करके रखता है। अगर वो ज़्यादा सिक्रीट होगा तब भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर कम रहेगा तब भी। तो एक तरह से हार्मोन्स भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। न्यूट्रिशन नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि हम जो भी पोषण, जिसे कहेंगे कि बॉडी को अगर प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है, हमें जो भी विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो अगर नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, बॉडी वीक हो जाती है, जिससे ये आपका बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स है वो इम्यूनिटी सिस्टम का इफ़ेक्ट, ये जो आपका न्यूट्रिशन होता है इफ़ेक्ट डालता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि थ्री लाइंस ऑफ डिफेंस, मतलब जो हमारा आक्रमण के विरुद्ध शरीर का जो बचाव होता है उसमें मेन तीन पॉइंट लाइंस हैं उनका है। फर्स्ट है लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी प्रथम रक्षात्मक स्तर, द्वितीय रक्षात्मक स्तर और तृतीय रक्षात्मक स्तर। अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो जो फर्स्ट वाला जो आपका डिफेंस है यानी प्रथम रक्षात्मक, ये आपका त्वचा और म्यूकस स्तर, यानी कि जो आपकी स्किन होती है म्यूकस लेयर्स इसमें आती हैं। सेकंड में आपका ये बहुत ही एकदम आपका मोर इफेक्टिव आपका ये सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। तीसरा जो होता है ये नॉर्मल इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपका, जैसे हम पहले की बात करते हैं कि क्या रहता है, ये शरीर की त्वचा और अंगों की जो म्यूकस लेयर है उससे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको शरीर बॉडी में प्रवेश नहीं करने देती है, और एक तरह से एक बैरियर की तरह काम करती है, मतलब एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, जिससे कि क्या रहता है कि जो बैक्टीरिया और जीवाणु विषाणु होते हैं वो क्या रहता है, एकदम हमारी बॉडी में जो एंटर करने की जो मात्रा होती है एकदम न्यून रह जाती है, बहुत ही कम रह जाती है, ना के बराबर। सेकेंड है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस या सेकेंड द्वितीय रक्षात्मक स्तर, ये क्या रहता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले में बताया कि न्यून रह जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 0.11% एंटर हो जाते हैं जो बैक्टीरिया, वो क्या करता है वो आपका इस जो स्तर को एंटर कर जाते हैं तो इस उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक लेयर बनती है जो लेयर कहलाती है सेकेंड लेयर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं जिससे कि जो बॉडी होती है उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है सेकेंड डिफेंस लेयर। थर्ड होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या रहता है कि जब ये सेकेंड लेयर को भी कुछ वायरस करके ब्रेक करके जब एंटर कर लेते हैं तब क्या रहता है आपका कि इस लेयर का निर्माण होता है और इसमें आपके लिम्फाइड टिश्यू, मतलब लिम्फाइड उत्तक, ब्लड और आपका ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट सेल, ये सब पूरी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। ओके, तो ये हमने आपका किया कि इंटेक के अंतर्गत पढ़ा। अब बात करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित इम्यूनिटी मीन्स जो उपार्जित जो आपके प्रतिरक्षा होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जैसे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, जब जिस इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है वो लाइफ में उपस्थित हो जाती है, अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस पावर होती है उसके बेस पे, या हम जो भी विटामिन्स मिनरल्स लेते हैं उससे जो हमारी बॉडी में एक स्ट्रांग इम्यूनिटी बनती है, प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, वो क्या कहलाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि हमने वो एक्वायर की, मतलब हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस चीज़ को अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में वो चीज़ उत्पन्न हो गई, ठीक है। ये आपकी टू टाइप्स में रहती है, एक एक्टिव होती है और पैसिव होती है, ठीक है। एक्टिव मीन्स रेजिस्टेंस डेवलप बाय अ इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस, मीन्स कोई भी हम, ये कब होता है कि जब हमने आपका कोई भी वैक्सीन ली या कोई टीका लगाया, तब उससे जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वो क्या कहलाता है, आपका एक्टिव या सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। पैसिव या निष्क्रिय क्या रहता है कि
है ना, कि क्या करते हैं कि कोई बाहर इंजेक्शंस के थ्रू, जब अपनी बॉडी में, मेरी हम लोगों की बॉडी में क्या होता है कि कोई एंटीबायोटिक बनता है, ठीक है, तो वो या हमने कि कोई एंटीबायोटिक को इंजेक्शन लेके उसको बॉडी में इंसर्ट कराया, तो उससे क्या हुआ, वो आपका जो इम्यूनिटी होता है, प्रतिरक्षा होता है, वो क्या कहलाता है, पैसिव। ओके, अब हम इसी के बारे में बात करते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी में ही, और डिस्कस करते हैं कि क्या रहता है इसमें। एक्टिव इम्यूनिटी इन फंक्शनिंग द होस्ट इम्यूनी अपर्चर सिंथेसिस एंटीबॉडीज एंड प्रोडक्शन ऑफ, कि अभी जैसे मैंने बताया कि आपका एक्टिव में क्या रहता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, आपके ये हार्मोनल और सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है उसे डेवलप करते हैं, यानी हार्मोन्स और जो हमारे कोशिका तंत्र होते हैं उसे डेवलप करने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये भी आपका क्या रहता है, मेन टू लेटेंट पीरियड और निगेटिव फेस। लेटेंट में क्या रहता है कि एक्टिवेशन रिक्वायर टाइम फॉर इट्स एक्टिवेशन, की पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि हाँ ये बॉडी में ख़त्म हो रहा है, अब इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। निगेटिव फेस में क्या रहता है कि अ टाइम पीरियड इट बीच देयर इज रिड्यूस मेजरेबल इम्यूनिटी एंटीजन कम्बाइंड विद प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी एंड लोअर इट्स सर्कुलेशन, की मतलब ये पहले से जो बॉडी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी हमारी बॉडी में, उसी से रिलेटेड ये एक्टिव इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होगा। पैसिव, अभी जैसे मैंने किया कि पैसिव क्या रहता है कि पैसिव ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है, मदर से बेबी का ट्रांसमिटेड प्रीडोमिनेंटली थ्रू प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा का बनता है, बेबी का जब बर्थ टाइमिंग में होता है तो प्लेसेंटा होता है, जिससे कि जायगोट अटैच होता है, उस टाइम पे क्या रहता है आपका ये पैसिव इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी कि क्या होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, ये हमारी बॉडी में को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब हम बॉडी में कोई भी आपका कह सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह इंसल्ट करता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो WBC होती हैं वो सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, तो वो एंटीजन और एंटीबॉडी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ा है कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी भी होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में पहले से ये प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके एंटीजन और एंटीबॉडी, जो कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का, वो किस तरह से रहता है, जैसे आपका लॉक एंड की, चाबी और ताले का प्रोसेस रहता है, जिस तरह से जुड़े रहते हैं आपस में, उसी तरह से आप ये जैसे चित्र में जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा क्या है, एंटीबॉडी का डायग्राम है, और येलो कलर क्या है, एंटीजन है, तो ये इसमें ऐड हो रहा है, तो ये दोनों आपका की लॉक सिस्टम के थ्रू बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपका जो प्रतिजन या एंटीजन होते हैं, ये एक तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको और बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, तो और ये आपके किससे बने होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, इनसे बने हुए होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन या टीकाकरण, ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन या जो टीकाकरण है कि क्या होता है, ये जब शिशु का जन्म होने वाला होता है उस समय भी दिया जाता है, और उसके बाद भी जो आपका जो बर्थ के बाद भी जो बेबी होता है उसको ये वैक्सीनेशन या टीकाकरण करते रहते हैं, जिससे कि उसको ना हार्मफुल डिजीज़ से उसे बचाया जा सके। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटीजन और को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे क्या रहता है कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो पूरी लाइफ जितनी भी होती है उससे उस ह्यूमन की लाइफ को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशंस भी के टाइप्स में रहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन्स वैक्सीन होती है आपकी, सेकंड जनरेशन्स की भी आपकी वैक्सीन होती है, थर्ड जनरेशन्स का भी होता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन्स में होते हैं, इसमें आपके जो आते हैं, जो टीके आपके आते हैं इसके अंतर्गत, वो क्या होते हैं, GV टीके या बहुत ही टॉक्सिक टीके आते हैं, ठीक है, वो लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हैजा का टीका लगता है आपका, ठीक है, चेचक का टीका, तो इस तरह के आते हैं। और जो सेकंड जनरेशन्स होते हैं, इसमें हेपेटाइटिस बी का जो टीके होते हैं वो आते हैं।
थर्ड जनरेशन्स में आपकी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स इसके आते टीके होते हैं और इसी से ये बनाए हुए टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैक्सीनेशंस भी ह्यूमन की लाइफ में एक मेन रोल प्ले करते हैं। ओके, सो नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड।